मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का इसराइल की पॉलिसियों पर तश्वीश का इजहार। ट्रूडो का कहना था कि नेतन्याहू को मुल्क में मदु करने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। कैनेडा इसराइल का साबित कदम दोस्त है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ राय है। टोरंटो शहर में बारिशों का सिलसिला जारी। शहर में तूफान के सबब 30 से 50 मिलीमीटर तक शदीद बारिश, बिजली गिरने से एक दरख्त और घर को नुकसान। कनाडा में जंगलात में लगी आग बुझाने वाला पायलट हलाक। कनाडा में जंगलात की आग पर काबू पाने की कोशिश में तीन अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया गया है। कुरान की बेहरमती पर अमेरिका की मजम्मत। सऊदीया ने स्वीडिश सफीर को तलब कर लिया। स्वीडन में एक बार फिर कुरान की बेहरमती पर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर तोड़ गई। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मुकद्दस किताबों और इबादतों की अपनी एक अहमियत और मर्तबा है, जिसे तस्लीम करते हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी क्लस्टर बमों की तैनाती पर रूस ने हमले तेज़ कर दिए। रूस के मुसलसल तीसरी रात यूक्रेन पर फिजाई हमले, तीन अफराद हलाक। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि अमेरिका के फराहम करदा क्लस्टर हथियार यूक्रेन के हाथों में है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इज़राइल की पॉलिसियों पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि उनका अपने इसराइली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू को मुल्क में मदु करने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल की पॉलिसियों पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि उनका अपने इसराइली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू को मुल्क में मदु करने का फ़िलहाल कोई मनसूबा नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान महीनों की कशीदगी के बाद ट्रूडो जल्द ही इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो फिलहाल अपने इसराइली हम मनसब को दौरे की दावत देने में अमरीकी सदर के साथ शामिल होने का इरादा नहीं कर रहे। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा इसराइल का साबित कदम दोस्त है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ राय है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहाफियों से बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने मकबूजा मगरबी किनारे में कायम की जाने वाली बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ कनाडा की मुखालफत का अदा किया। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा कि हम मकबूजा मगरबी किनारे में अमन का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि तशद्दुद पूरे खित्ते के लोगों के लिए मुश्किल है। कनाडा का एक देरीना मौकफ है कि आबादकारी का अमल गैर कानूनी है और हमें उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हालिया महीनों में मगरबी किनारे में अपनी फौजी कार्रवाइयों में इजाफा किया है, जिसके नतीजे में इस साल अब तक मकबूजा इलाकों में कम अज़ कम 177 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत ने आबादकारी की सरगर्मियों में भी इजाफा किया है और उन चौकियों को कानूनी हैसियत देने पर जोर दिया है जो इजरायली कानून के तहत गैर कानूनी थी। ख्याल रहे कि कनाडा इजराइल का करीबी इत्तेहादी है, लेकिन अमरीका के बरक्स उसने अपना सिफारत खाना यरूशलम मुंतकिल नहीं किया और ना ही मशरकी यरूशलम और शाम की
गोलान की पहाड़ियों को इजरायली इलाकों के तौर पर तस्लीम किया है। ट्रूडो का मजीद कहना था कि हम इजरायली हुकूमत की जानिब से अदालती इसलाहात के नए मंसूबे के बारे में भी बहुत फिक्रमंद है। याद रहे कि अदालती इसलाहात के मंसूबे के खिलाफ इजरायल में कई महीनों से बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है, जबकि सदर जो बाइडन समेत अमरीकी हुकाम ने भी नेतन्याहू की अदालती इसलाहात की तजवीज़ के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर टोरंटो का दर्जा हरारत कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है। गरज चमक के तूफान जनूबी ऑन्टेरियो से गुजरे और जुमेरात को टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो एरिया के ज्यादातर हिस्से से टकरा गए। इसके साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चली। टोरंटो में तूफान की जुमेरात की शाम तक 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के झोंके, निकल के साइज के ओले और मकामी तौर पर 30 से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हुई। गरज चमक की शदीद घड़ियां जो पूरे जीटीए में मौजूद थीं, बशमूल हॉल्टन, पील और यार्क डरहम, इसके बाद से ख़त्म हो चुकी हैं। जब टोरंटो के लिए गरज चमक की घड़ियां जारी थीं, ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट के शुमाल में जैन स्ट्रीट और मेथॉन एवेन्यू में आसमानी बिजली एक दरख्त से टकरा गई। टोरंटो फायर सर्विसेज के मुताबिक दरख्त के कुछ हिस्से दो टाउन हाउसेज और एक लैनवे पर गिरे। मलबा सड़क पर आ गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का दर्जा हरारत कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। शुमाल मगरबी अल्बर्टा में एक हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में कनाडा में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशों में शामिल हालिया दिनों में तीसरी मौत वाकई हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाल मगरबी अल्बर्टा में एक हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में कनाडा में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशों में शामिल हालिया दिनों में तीसरी मौत वाकई हुई है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जुमेरात को बैल्यूल ऊंट के दौरे के दौरान कहा, इस मुल्क भर में बहुत सारे लोग हैं जो जंगल के उन इंतहाई मुश्किल आग के दौरान अपने खानदानों की हिफाजत, अपनी बरादरियों की हिफाजत, अपने साथी शहरियों की हिफाजत कर रहे हैं और 3 फायर फाइटर्स या आग से लड़ने में मदद करने वाले अफराद को खोना दिल दहला देने वाले हैं। हर बार जब इनमें से कोई पहला जवाब दहिंदगान या फायर फाइटर कदम उठाता है तो वो अपने साथी शहरियों को महफूज रखने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं और उनके खानदान भी होते हैं जो बाहर जाते वक्त उनकी फिक्र करते हैं। RCMP ने कहा कि पायलट को करीबी हवाई अड्डे पर ले जाया गया जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। पायलट व्हाइट कोट उल्टा से ताल्लुक रखने वाला 41 साल था, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया। पिछले हफ्ते डेवन गेल, एक 19 साल फायर फाइटर, रियलिस्टिक BC के करीब उस पर एक दरख्त गिरने के बाद जान की बाजी हार गई थी। 25 साल एडम यदौन हफ्ते के रोज NWT के फोर्ट लियार्ड में अपने घर के करीब जंगल की आग से लड़ते हुए हलाक हो गया। अल्बर्टा वाइल्ड फाइटर ने ट्विटर पर कहा कि वो अपनी टीम के एक रुकन के नुकसान पर शोक मना रहा है। हम जानते हैं कि जंगल की आग से लड़ने में खतरात हैं, लेकिन ये इस तरह के नुकसान को आसान नहीं बनाता। अल्बर्टा के वजीर जंगलात ट्रूड लोवेन ने पायलट के अहले खाना, दोस्तों और साथियों से ताजियत की। जुमेरात की सुपहर तक अल्बर्टा में 117 फाल जंगल की आग थी, जिनमें से 17 को काबू से बाहर समझा जाता था। कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब ने शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाजन स्वीडन के सफीर को तलब कर लिया, जबकि अमरीका ने भी स्वीडन मुकदस किताब को जलाने की इजाज़त देने पर स्वीडन हुकूमत की मजम्मत की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब ने शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाजन स्वीडन के सफीर को तलब कर लिया, जबकि अमरीका ने भी स्वीडन मुकद्दस किताब को जलाने की इजाज़त देने पर स्वीडन हुकूमत की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा ने एक बार फिर स्वीडन के नाजमुल उमूर को तलब करने का ऐलान करते हुए बताया कि एहतजाजी पैगाम उनके हवाले किया जाएगा, जिसमें स्वीडन की हुकूमत पर ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया जाएगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंतहा पसंदों को कुरान के नुस्खों को नजर आतिश और बेहरमती करने की बार बार इजाज़त देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सऊदी वजारत खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि स्वीडन रवादारी और एतदाल पसंदी के फरोग में रुकावट बनने वाले इंतहा पसंदाना सोच को मुस्तरद करते हुए आइंदा ऐसे मुजाहरों की इजाज़त ना दे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी कुरान पाक की बेहरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मुकदस किताबों और इबादतों की अपनी एक अहमियत और मरतबा है जिसे तस्लीम करते हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में मैथ्यू मिलर ने कुरान पाक की बेहरमती को घिनौना अमल करार देते हुए कहा कि अमरीका हर एक के मजहब या अकीदे की आज़ादी के हक में है। यूक्रेन की तरफ से अमरीकी क्लस्टर बमों की तैनाती पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि अमरीका की कौमी सलामती कौंसिल के मुशीर जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीका के फराहम करदा क्लस्टर हथियार यूक्रेन के हाथों में है।
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرین کی طرف سے امریکی کلسٹر بموں کی تعیناتی پر روس نے حملے تیز کر دیے، جبکہ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے کہا کہ امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر ہتھیار یوکرین کے ہاتھوں میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کلسٹر ہتھیاروں پر دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں پابندی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے اپنے بیان میں کہا کہ یوکرین کلسٹر ہتھیار روس کے خلاف جنگ میں مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ جان کربی کا مزید کہنا تھا کہ کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال روس کے دفاعی حربوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی طرف سے امریکی کلسٹر بموں کی تعیناتی پر روس نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے بتایا کہ جنوبی یوکرین کی بندرگاہی شہروں پر مسلسل تیسری رات روسی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے اور ایک چینی قونصلر عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ یوکرینی فوج کا کہنا تھا کہ روسی افواج نے راتوں رات 19 میزائل اور 19 ڈرون داغے، جن میں سے 5 میزائل اور 13 ڈرون مارے گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے شمال مشرقی یوکرین میں سینکڑوں ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔